करने से काम नहीं चलेगा, प्रार्थना करने से सब कुछ चलेगा। बोलो, प्रार्थना करने से सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। आज के व्यक्ति बोलो प्रार्थना। इन दिनों में बाइबल हमें ये सिखाते हैं, जो यहोवा का बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे। आमीन। वो परमेश्वर की ओर से उकाब की तरह नया बल प्राप्त करेंगे। मेरा प्रियो, ये नया बल प्राप्त करने का समय, परमेश्वर आपको नया बल दे रहे हैं। ये समय को बहुमूल्य समझना है। बाइबल कहते हैं, आमीन, जो कटनी का समय सोने वाला आशीषित नहीं होगा। आमीन। बोने का समय सोने वाला आशीषित नहीं होगा। ये समय सोने के लिए नहीं, जागो और प्रार्थना करो, जागो और प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने कहा, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए जागो और प्रार्थना करो। ये परमेश्वर की महिमा प्रकट होने का समय है। आमीन। मैं आपको फिर से कहता हूँ, मेरा प्रिय भाई, मेरा प्रिय बहन, जागो और प्रार्थना करो। ये सोने का समय नहीं है, ये आलसी होने का समय नहीं है। आपको एनर्जाइज कर रहा है परमेश्वर। वो बातें परमेश्वर बार बार मुझे बोल रहा है, God is energizing you। आमीन। परमेश्वर आपको नया बल प्राप्त दे रहा है, नया अभिषेक देना चाहते हैं। If you are ready to wait upon the Lord, आप अपने परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार है। प्रभु मुझे चाहिए आपकी उपस्थिति, चाहिए आपकी अभिषेक, चाहिए मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। If you are waiting, आपका वेटिंग पीरियड खत्म होने जा रहा है। परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य करने जा रहा है। पिछले काफी समय से आप वेटिंग पीरियड में था, वेटिंग पीरियड में था। आमीन। वेटिंग पीरियड वेस्टिंग टाइम नहीं है। पिछले दिन आपने वेट किया है, वेटिंग समय। परमेश्वर मुझसे कहते हैं, वेटिंग पीरियड खत्म हो गया, आपको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा करने जा रहा है। मैं आज आत्मा में अनुभव कर रहा है, आत्मिक वातावरण में एक शिफ्ट में अनुभव कर रहा हूं। मेरा प्रियो, अद्भुत अद्भुत। हालेलुया। आज मैं सुबह प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर बोल रहे थे, अलग अलग जगहों में, अलग अलग एरिया में प्रभु कार्य कर रहा है। आमीन। पूरा विश्व भर में प्रभु के कार्य हो रहा है। आमीन। आज सुबह प्रार्थना करने के समय मेरे अंदर एक भोज आया। आमीन। मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला नॉर्थ कोरिया के लिए प्रार्थना करने के लिए। आमीन। मैं नॉर्थ कोरिया के लिए रोते रोते प्रार्थना। आमीन। वो रोने का शब्द मेरा नहीं था, परमेश्वर मेरे अंदर बोल, परमेश्वर मुझे बोल रहा है, नॉर्थ कोरिया का लोगों का प्रार्थना मैंने सुन लिया, उनकी आंसू मैंने देख लिया, में करने जा रहा है। आप देखिए, आज से लेकर आमीन कुछ दिन आप देख लेना, वॉच कर लेना, नॉर्थ कोरिया में परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है। नॉर्थ कोरिया में परमेश्वर कुछ अद्भुत करने वाला रह रहा है। परमेश्वर ने मुझे बोला, आई एम गोइंग टू चेंज, आमीन, कुछ शिफ्ट होने जा रहा है। आमीन। क्योंकि वहां का लोगों का पुकार मैंने अपनी आत्मा में अनुभव कर रहे थे, दे आर क्राइंग क्राइंग क्राइंग। आमीन। वो अपने जीवन में रोते हुए मैंने देखा। आमीन। कुछ परमेश्वर का बच्चा वहां पर रोते हुए मैंने देखा। आमीन। परमेश्वर ने बोला है, आमीन, मैं उनकी आंसू देखा, मैंने उनका पुकार सुन लिया। आमीन। पता नहीं, मैं उस सुबह के समय प्रार्थना का समय मेरे अंदर वो पुकार आने लग गया है। आमीन। परमेश्वर नॉर्थ कोरिया में कुछ अद्भुत करने जा रहा है, अलग अलग नेशंस में कुछ अद्भुत करने जा रहा है।